नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका फीचर्स, जो कि 3D मॉड्यूल्स हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी स्केच आपने क्रिएट करी है 2D के अंदर, उस स्केच को 3D के अंदर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फीचर्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन ने एक मॉड्यूल पढ़ा था स्केच, जिसके अंदर किसी भी एंटिटीज को अपन ने सिर्फ 2D में स्केच किया था, जो 2D ऑब्जेक्ट था, एक x एक्सिस में और एक और y एक्सिस को मिल गया, या 2D ऑब्जेक्ट जिसको बोल सकते हो। अब फीचर्स क्या करता है कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फीचर्स। और फीचर्स में बेसिकली क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, या पर्टिकुलर उसकी थिकनेस होगी, जो भी थिकनेस रहेगी उसको होलो भी आप कर सकते हो। तो उसमें किसी भी टाइप का अगर ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फीचर्स। तो सबसे पहले वही, जिस भी प्लेन पे अपने को फीचर्स अप्लाई करना है, उससे पहले अपन ने कोई भी स्केच बनाया, स्केच बनाने के लिए वही प्लेन अपन को नॉर्मल किया, और जो भी जिस भी टाइप के अपने को स्केच बनानी है वो स्केच अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसके लिए अपने को क्या करना है, 3D ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अपन ने एक पहले क्या किया, 2D ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको भी अपने को 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्फर्म करने का, ये कन्फर्मेशन कॉर्नर होता है, इसके अंदर या तो इस ड्राइंग को आप कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको कन्फर्म कर सकते हो। कन्फर्म करने के बाद इस ड्राइंग के अंदर एडिट नहीं होगा। अगर आपको वापस से री अगेन एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट डायमेंशन का ऑप्शन आता है, यहाँ से जाके आप इसको एडिट कर सकते हो किसी भी डायमेंशन या किसी भी स्केच को। तो यहाँ से अपन ने कन्फर्म किया, उसके बाद यहाँ पे आता है फीचर्स। फीचर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कमांड्स हैं जो कि अलग अलग पर्पज से बनाई गई है, अलग अलग उनका यूज़ है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कमांड आता है एक्सट्रूड बॉस और ऑब्लिक बेस। तो ये कमांड यूज़ की जाती है कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए, तो इस कमांड में आप जैसे ओपन करोगे यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर क्रॉस सेक्शन। मतलब या तो आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर आप स्केच बनाना चाहते हो, या फिर वो प्लेन से स्केच सेलेक्ट करो जिसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अपन को यहाँ से वो स्केच सेलेक्ट करनी है जिसको अपन ने कन्वर्ट करवाना है 3D के अंदर। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, डायरेक्शन 1 और एक और आता है डायरेक्शन 2, थीन फीचर या फिर सेलेक्टेड कंटूर। सेलेक्टेड कंटूर के अंदर क्या होता है, वो एंटिटीज होती है जो आप स्केच में बनाते हो। तो अगर यहाँ से सेलेक्ट नहीं होती है तो आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना होता है जो भी एंटिटीज को आप 3D में कन्वर्ट करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आता है डायरेक्शन 1 के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं ब्लाइंड। अब ये डायरेक्शन 1 क्या कहलाता है कि किस डायरेक्शन में आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन रहती है, या तो इस डायरेक्शन में आपको करवाना है या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप दोनों डायरेक्शन में अंदर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन 2 का ऑप्शन भी आता है, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्शन 2 इस स्केच के अदर साइड में भी आप पर्टिकुलर कितनी लेंथ तक आप करवाना चाहते हो उतनी लेंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्शन 1 के अंदर कितनी लेंथ तक आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड इक्वल हैं तो आप डायरेक्शन 2 को हटा के या तो डायरेक्शन 2 में भी सेम वैल्यू डाल दो कि यहाँ पे आपने 72 डाला है तो यहाँ पे भी आप 72 कर दो, तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लाइंड की जगह मिड प्लेन यूज़ कर सकते हो, तो मिड प्लेन में क्या होगा, वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ब्लाइंड का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं पता कहाँ तक एक्सट्रूड कराना है, पर्टिकुलर डायमेंशन से आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो ब्लाइंड यूज़ कर सकते हो। ब्लाइंड के अंदर आपको यहाँ से डेप्थ पूछेगा कितनी डेप्थ तक आप इसको एक्सट्रूड करवाना चाहते हो। इसी तरह से आता है अप टू वर्टेक्स मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास एंड पॉइंट किसी भी एंटिटीज या कोई भी स्केच आगे, तो वहाँ तक अगर आप एक्सट्रूड करवाना चाहते हो तो अप टू वर्टेक्स यूज़ कर सकते हो। अप टू सरफेस मतलब होता है किसी भी सरफेस तक, ऑलरेडी अगर कोई सरफेस बनी हुई है तो वहाँ तक अगर आप एक्सट्रूड करवाना चाहते हो तो उसके लिए अप टू सरफेस यूज़ करते हैं। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, किसी सरफेस से ऑफसेट लेना चाहते हो तो उसके लिए अप टू बॉडी, अगर आगे कोई बॉडी बनी हुई है किसी भी शेप में तो उस बॉडी तक अगर आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है अप टू बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अभी ब्लाइंड वाला ऑप्शन यूज़ किया है। ठीक है, देन ओके किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डायरेक्शन 2 के अंदर अगर इसी को एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे एडिट फीचर्स का ऑप्शन आता है, इस पर जाके एडिट कर सकते हो। डायरेक्शन 2 में क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, डायरेक्शन 1 में जितने ऑप्शन हैं सेम ऑप्शन डायरेक्शन 2 में भी हैं,
उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो कि पर्टिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस तक आपको यूज़ करना है, तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आता है, ठीक है, माना ये अप टू बॉडी वाला मैं आपको बता देता हूँ। अप टू बॉडी में क्या होगा कि किसी बॉडी तक अगर आप बनाना चाहो, ठीक है, बॉडी तक मतलब यहाँ पे माना कि एक कोई बॉडी बना देते हैं अपने कि मुझे जैसे यहाँ तक चाहिए, माना कि इस शेप में कोई बॉडी बना, इसको अपन ने क्या किया, एक्सट्रूड करवाया है। अब इसके बाद इस फेस पर मैंने कोई एक और स्केच इंट्रोड्यूस किया, जो फेस आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस फेस पे ही इंट्रोड्यूस बनेगा, ठीक है। अब आपने ये फेस सेलेक्ट करी तो वो इंट्रोड्यूस चाहे कहीं पे भी बनाओ वो इसी फेस पे सेलेक्ट। अब यहाँ पे आता है एक्सट्रूड के अंदर, इसको सेलेक्ट किया, अब देखो ये डेप्थ तक जा रहा है अंदर तक, लेकिन अपने को सिर्फ इसके सरफेस तक रखना है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अप टू बॉडी। अप टू बॉडी में क्या होगा, वो सिर्फ उस बॉडी तक जाएगा, जो भी बॉडी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस बॉडी तक ही वहाँ पे एक्सट्रूड होगी। जैसे मैंने बॉडी सेलेक्ट करी क्या होगा, वो उस शेप में कन्वर्ट हो गया, प्लस उसी बॉडी तक एक्सट्रूड होगा जिस बॉडी आपने सेलेक्ट करी। तो उस तक, उस पर्टिकुलर बॉडी तक अगर आपको चाहिए तो इस तरह से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आता है इसी के अंदर ड्राफ्ट एंगल, ड्राफ्ट ऑन और ऑफ कर सकते हो इसमें। तो जैसे माने ड्राफ्ट अगर आपने दिया तो डायरेक्शन वन के अंदर कितना ड्राफ्ट आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। यहाँ से जैसे ब्लेंड का ऑप्शन हटा दिया आपने, अब डायरेक्शन वन ड्राफ्ट दिया आपने, ड्राफ्ट कितना डिस्टेंस तक आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ड्राफ्ट को यूज़ कर सकते हो। तो ड्राफ्ट भी दो टाइप से होता है, या तो इनवर्ट या फिर आउटवर्ट। आउटवर्ट लोगे तो इस तरह से आएगा और इनवर्ट लोगे तो अंदर की तरफ ड्राफ्ट होगा। तो जितना डिग्री आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ड्राफ्ट मिलेगा, इनवर्ट ले सकते हो या फिर आउटवर्ट ले सकते हो। सेम डायरेक्शन टू के अंदर आपको ड्राफ्ट अगर चाहिए तो डायरेक्शन टू में भी आप ड्राफ्ट लेना चाहो तो यहाँ पे ड्राफ्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दो। उसके बाद जितने डिग्री से आप ड्राफ्ट करना चाहो उतने डिग्री से आप ड्राफ्ट कर सकते हो। तो उसी तरह से आउटवर्ट करना है तो आउटवर्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ से जो भी ड्राफ्ट आप यूज़ करना चाहो जितने डिस्टेंस से अलग अलग एंगल से आप ड्राफ्ट को यूज़ कर सकते हो। देन ओके करोगे तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक हाफ सर्कल से आप किसी भी टाइप की ज्योमेट्री अगर आप क्रिएट करना चाहो तो इसमें ड्राफ्ट वगैरह देके यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सट्रूड।